बात है उसका। मैं पत्रकार अरुण चौरसिया जी चौरसिया जी, मैं पूछ रहा था कि जो गुरु नानक मिशन स्कूल मैहर जी। की जांच प्रतिवेदन की फाइल पे आप कार्रवाई करना चाह रहे थे, तो आपने बताया था कि ऑफिस में तो वो फाइल मिल नहीं रही, कहीं गुम हो गई। तो हाँ वो प्रतिवेदन तो नहीं मिला, नोटिस जारी करा दिया है मैंने उसको। अच्छा, एक पत्र पुराना मिला था जिस जी, दिन आपने कहा था, तो वो तो करा दिया था। प्रतिवेदन नहीं मिला तो BRCC को चिट्ठी लिखी थी मैंने कि जी, प्रतिवेदन की कॉपी दे। वो कभी दिया है और मैंने किसे मार कर दिया? अब वो कह रहा है RT वाला, पहले तो कहा कि पुरानी फाइल नहीं। मैंने कहा तुम्हारी पूरी फाइल नीचे निकालो, मैं इलेक्शन में था। तो वो निकाला तो एक फाइल मिली, कोई शिकायत वाली, तो उसी के आधार पर मैंने कहा BRCC से प्रतिवेदन मांगो अच्छा, और उसके स्कूल को नोटिस जारी कर दो। ये काम तो मैंने करा दिया था उसी दिन। नहीं तो आपने बताया था ना कि उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, जो जो जांच रिपोर्ट थी, जांच रिपोर्ट की हार्ड कॉपी आप बोल रहे थे कि वो नहीं मिल रही है, तो आपने मुझसे बोला था ना कि मुझे दे दें। हाँ दे दीजिए हो आपके। तो BRC मैहर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला है कि यार वो हार्ड कॉपी मुझे दे दी। मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे पूछूं, क्या आपने उनसे बोला है कि वो कॉपी दे दे, BRCC से वो बोला है? तुमने भेजा है भाई, तुमने लिखा है कि BRCC ने जांच की है पूर्व वाले ने, SBM ने, तो कहाँ है वो? उसको चिट्ठी जारी की है ना जो आपने कहा था, जी, ये प्रतिवेदन उपलब्ध कराओ, तो इसलिए मांग रहा होगा। अच्छा, चलिए, ठीक, ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं सविता और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। मैहर के गुरु नानक स्कूल की अवैध फीस वसूली SDM मैहर ने 3 साल 3 माह पहले पकड़ी थी, जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा दंडात्मक कार्यवाही करना बाकी था। सनसनीखेज जानकारी मिली है कि गुरु नानक स्कूल की जांच में प्रमाणित अवैध फीस वसूली की फाइल शिक्षा विभाग से गायब हो चुकी है। शिक्षा विभाग के सतना जिला परियोजना अधिकारी विष्णु त्रिपाठी और मैहर BRCC प्रदीप सिंह ने स्वयं यह जानकारी हमारे क्राइम रिपोर्टर अरुण चौरसिया को दी है। रिपोर्टर अरुण चौरसिया ने सबूतों के आधार पर दावा किया है कि फाइल गुमी नहीं है, फाइल गायब की गई है। गुरु नानक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल मैहर की अवैध फीस वसूली की दर्दनाक कहानी कोरोना के समय लॉकडाउन से शुरू हुई थी। स्कूल की 15 महिला अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि की स्कूल द्वारा मनमानी फीस लेने की शिकायत SDM मैहर से की थी। जांच में पाया गया है कि स्कूल ने 980 रुपये हर बच्चे से ज़्यादा लिए हहैं। ये 980 रुपये डोनेशन मद में लिए हैं और कंप्यूटर फीस 80 रुपये बढ़ा कर ली, जबकि लॉकडाउन में स्कूल बंद थे। दूसरी ओर शासन ने डोनेशन लेने पर रोक लगा रखी है। लॉकडाउन में बिना कमाई के बीमारी और भूख से जूझते लोगों के दर्द को समझकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे बहुत से प्राइवेट स्कूल की तरह गुरु नानक स्कूल ने भी ट्यूशन फीस से ज़्यादा फीस वसूली है। जांच में अवैध फीस वसूल पकड़ में आने के बाद सजा से बचने के लिए स्कूल ने एक खेल खेला। शिकायतकर्ता 15 महिला अभिभावकों में मोनिका ताम्रकार फीस के संबंध में ज़्यादा विरोध कर रही थी, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने मोनिका ताम्रकार के 2 बच्चे अक्षरा और अरित की लगभग 28,000 फीस माफ कर मोनिका ताम्रकार को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे अभिभावकों का विरोध बंद हो गया। दूसरी ओर अधिकारियों की मिलीभगत से स्कूल के अवैध फीस में पकड़े जाने की जांच रिपोर्ट दबा दी गई। इस तरह गुरु नानक स्कूल का खतरा टल गया, जिसके बाद स्कूल लगातार बच्चों से अवैध फीस वसूलता रहा। शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही न करने के कारण अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के अधिकारी जयपाल सिंह ने 4 जुलाई 2023 को गुरु नानक स्कूल के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का पत्र जनसुनवाई सतना में दिया था। यह पत्र कलेक्टर सतना जनसुनवाई से जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी विष्णु त्रिपाठी से होते हुए BRCC प्रदीप सिंह मैहर के पास आया। 3 साल 3 माह बीत जाने पर भी गुरु नानक स्कूल के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही में देर होता देखकर नजर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अरुण चौरसिया ने देरी का कारण जानना चाहा, तो जिला परियोजना अधिकारी विष्णु त्रिपाठी और BRCC प्रदीप सिंह मैहर ने बताया कि गुरु नानक स्कूल के जांच रिपोर्ट की फाइल गुम गई है, इसलिए स्कूल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।
स्कूल की अवैध फीस वसूली 3 साल पहले सिद्ध हुई, तब मैहर से सतना तक के शिक्षा विभाग के अधिकारी अपने आप को व्यस्त बताकर दंडात्मक कार्यवाही को टालते रहे और आज 3 साल 3 माह बाद वही अधिकारी कहते हैं कि फाइल गुम गई है। दरअसल फाइल गुम नहीं हुई है, फाइल गायब की गई है। फाइल गुमने की सूचना कलेक्टर को नहीं दी है, इससे साबित होता है कि फाइल गायब होने में शिक्षा विभाग का हाथ है। मोनिका ताम्रकार का चुप कराना और जांच रिपोर्ट की फाइल गायब कराना यह अधिकारियों का खेल है स्कूल को सजा से बचाने के लिए। बहरहाल कोरोना के कहर से जो लोग बच गए हैं वो प्राइवेट स्कूलों के कहर से नहीं बच पाए हैं, क्योंकि जांच अधिकारी भ्रष्ट हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि 3 लोग भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकते हैं, माँ पिता और शिक्षक। ज़्यादातर माता पिता साक्षर हैं, शिक्षित नहीं हैं और शिक्षक स्वयं भ्रष्ट है। ऐसे में भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का एक तरीका है, जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को दंड नहीं तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं। अब विरोध करने वाला और दंड देने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्कूल के अध्यक्ष सतविंदर सिंह सरना बच्चों के साथ बेईमानी, शासन के साथ धोखाधड़ी और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के बाद भी कहते हैं कि हम शासन की गाइडलाइन पर काम करते हैं। हमने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ना गलत काम करते हैं। शुल्क ले रहे हैं, जो मासिक शुल्क है वो ले रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे ले रहे हैं।